नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सेना में भर्ती को लेकर शुरू की गई योजना अग्निपथ को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार में तो स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। छात्रों के विरोध के कारण ही लगातार ट्रेनों को भी रद्द किया जा रहा है। छात्रों के इस विरोध के बीच अब गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही अब अग्निपथ योजना से जुड़ने वालों को CAPF और असम राइफल्स की नियुक्ति में 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के ही तहत अब देश की सेना में जुड़ने वाले युवाओं को 4 साल के बाद केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अग्निवीरों को इस तरफ से जुड़ी सर्विसों में भर्ती के लिए उम्र सीमा में भी छूट देने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने का भी ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अब सवाल यह है कि अग्निपथ योजना, जिसको लेकर देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है, वो आखिर है क्या? तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है। सेना में अग्निपथ योजना के तहत ही 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवाओं के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया था। इसको लेकर अमित शाह की तरफ से किए गए ऐलान के बाद ही अब गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी है, लेकिन छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फौज में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि वो पहले ही आर्मी की फिजिकल ट्रेनिंग और मेडिकल पास कर चुके हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से उनका रिटन एग्जाम नहीं हुआ। ऐसे में अब इस नई योजना के आने से उनका भविष्य अंधेरे में है। युवाओं की माने तो महज 4 साल की नौकरी करने के बाद आगे फिर नौकरी की तलाश में भटकना पड़ेगा। ऐसे में यह योजना हम जैसे युवाओं के लिए ठीक नहीं है। हम सालों से आर्मी में जाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस योजना में हमें निराशा हाथ लगी है। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना को लेकर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने इस योजना को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि सरकार की तरफ से सेना में स्थायी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? आपने 2 साल तक भर्ती नहीं की। जब एक युवक बेरोजगार होकर 4 साल बाद अपने घर लौटेगा तो क्या आप इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस बल में शामिल करेंगे? वहीं बिहार में भी NDA के अंदर ही इस योजना को लेकर अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। हालांकि आगे इस योजना में केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्या नहीं, ये देखने वाली बात है, और ये विरोध कब थमता है, ये भी देखने लायक है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।